जो बाली में ना कि तू पेड़ बोती आ रही कर देते हो रावण ने मार की परमात्म ग्रास करती धन के समुद्र में बाहर की सीता त्याग जवा करती और तब आज आप कर तो ना पेड़ बोती मिले थे सुधवा नाम के तो तुम जिंदा तो बतू कब स्वार्थ राग करें सत्य की तो लक्ष्मण कहिए कहिए प्रभु आदेश करिए बाली की मारा जेतो कर रहे हैं उन्होंने बार बार उन्होंने यत्न करानी और अंतराम कहीं आवत ना तो कैसी बात कर रहे हो ना ऐसा नहीं होगा और ये सौ रुपए व्यास पीठ के माध्यम से गुरुदेव बाबू का नोट और की तरफ से आओ कहीं भगवान राम ने प्रभु मुझे एक जवाब चाहिए जवाब जी चाहिए तो तुम्हारे बच्चों को आवत ना आप अंतिम बात सुन लीजिए जिस तरह लक्ष्मण जी चले गए पानी के तीर लगा हुआ था सीना तो भगवान राम कहते तीर को खेच लो खेच लो अब पानी को मैं मारना नहीं चाहता काय को तेरी पानी के इधर में मार देने बना दे तब जैसी लक्ष्मण ने दया के अंदर है पानी नीचे की फेंक दो लक्ष्मण रुक जाओ क्यों कैसे आ रहे हो अपने रूम जाओ जे राम राजा हैं तो मैं राजा बात इनसे मैं करूंगा जे बोलते करेंगे तुम बता कैसे मैं आ रहे लक्ष्मण की एक बात था कि जब बारह तारा कहते रही कि जब तपस्वी के वेश में साधारण नहीं है तो तेरे पे झगड़ी बात मानी क्यों नहीं मानी तारा की बात पानी की प्रभु इनकी जवान को बंद करो जवाब मैं तुम्हें दे रहा हूं क्या मैंने अपने घरवाली की बात क्यों नहीं मानी क्या घरवाली की बात मान तो त्याग दो बाप रे भोले और की बात सबसे पहले मानी तय बाप ने के गई थी सो तुम तीनों बनवास गए थे और दूसरी बात महाराज तुमने मानी सोने के घर में होना सो आप तो मारे मारे रो रहे हैं ना सो बार तुम नीचो देख चुके हो और आप बता दो क्यों मारूं लक्ष्मण तीर खींच ले हो अब बाकी जनता कर रहे हैं उन्हें ठहर जाओ लक्ष्मण एक बार तो करो तो लोग अंतिम बार तुम्हारे पास की मजा आता है कि रघुकुल दीन सदा चल जाए और कर जाए पर तुम वो जिंदा कर रहे हो दशरथ मगाए मां सीता को हर दरबार को पंचवटी में रामा बोला हो क्यों कि इन्हें तिलक करने के लिए यहां बुलाया जाना दिया है और सही बोले जो अगर पानी के लिए हो रहा तो राजा पानी बने और समुद्री बने हो तो ना राम का पचन हट जाएगा और राम का पचन हट जाएगा तो राम को मरना पड़ेगा तो प्रभु मैं नहीं चाहता मेरे दरवाजे पर राम मरे ताकि त्यागे वचन की राज रह जाए पानी की परम गति हो गई आज भगवान राम सुस्त एक पानी जैसा छत्री दुनिया से उठ गया एक अंतिम बार पानी में वो अंगद का हाथ पकड़ भगवान राम का हाथ में दिया है उस अंगद की महाराज रक्षा करना ये तुम्हारे हाथ में एक अंतिम श्वास में एक बार फिर कह रहा हूं कि जाकर जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हारे मोए इसका जवाब नहीं होगा ध्यान रखना जब जब भगवान हारे तो भक्तों के सामने सोलह बाबू भगवान राम ने पांच तले एकत्र करके लंका पर चढ़ाई की और 84 दिन भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ था प्रहलाद का विनाश करके सीता मैया को लेने के लिए बात चली गई लाएगा कौन लाएगा कौन सीता को तो सब जवान अपने पे छाती झोंक रहे महाराज हमने लाई जा रही है हमने जा रही है हम जाइए लेकिन कह दिया भगवान राम ने तेरा पूरे रामागण में सबसे ज्यादा अगर एहसान है तो मेरे ऊपर पवन पुत्र हनुमान तो हनुमान जी सीता को लेकर के आए थे सोलह बंधु भगवान राम अयोध्या में आए 11,000 वर्ष तक राज किया था भगवान श्री राम ने कल की कथा में चंद्रवंश वर्णन हुआ सभी ध्यान से सुने चंद्रवंश वर्णन जिस वंश में आकर चंद्र जन्मे हो
एक भारत देश नाम तो पड़ा है, एक छत्री वर्ग वंश में उसके नाम से भारत देश आज तक जाना जाता है। तो भारत देश नाम किसके नाम पर पड़ा, ये कथाकांड होगी चंद्रवंश का वर्णन। भैया फूलों की माला में अर्पित की है कृष्णा स्टूडियो उदयपुर, तो इनका भी चैनल बढ़िया चल रहा है, हमारे केसी शास्त्री के जितने भी प्रोग्राम है इसी पर है, और हम मंच के माध्यम से व्यास पीठ के माध्यम से ये आशीर्वाद देते हैं उन्हें, हमेशा अपने कर्मों पर कामयाबी मिलते रहे। धन्यवाद।